तो आज बहुत खूबसूरत लग रही। और आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहे हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि अंदर से रोमांस अपने आप निकल आता है। वैसे आपने अच्छा किया, कियारा को यहाँ लाने से मना कर दिया है ना। बता दा मुझे, तुम भी मेरी तरह ही सोचती हो? और नहीं तो क्या, आराम कर लेंगे। कियारा होती तो बातें करती रहती, सोने नहीं देती। कम से कम सो तो सकते हैं। पागल वागल हुए हो? शादी का बैंड बजाने, स्वागत का बैंड बजाना चाहती हो तुम? क्या मतलब, मैं इतने रोमांटिक मूड में और तुम्हें सोने की पड़ी? तुम वर्ल्ड के मोस्ट रोमांटिक पर्सन को इग्नोर कैसे कर सकती हो? वर्ल्ड का मोस्ट रोमांटिक पर्सन कौन है? कौन है? मैं हूं। किसने कहा? मैंने कहा। सेल्फ प्रोक्लेम। क्या सेल्फ प्रोक्लेम? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लव, पैशन, रोमांस सब एक साथ नजर आएगा। इतने दिनों का इंतजार है ना कि ये कुछ अल्लाह की लेवल पर पहुंच गया है। वो देख रही हो, शर्मा की नजरें फेर ली तुमने? शर्मा की नजरें नहीं फेरी। तो फिर बस आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकते। फिर से मेरी बहन बजा रही हो ना? फिर से क्या? आप मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करेंगे? क्या हो गया? क्या मुझे सुंदर बच्चे चाहिए है ना कियारा? कियारा के लिए सादा बहने चाहिए। इतनी सारी बेटियां क्यों चाहिए आपको? अष्टमी के दिन कंज के बिठाऊंगा। मेरी बेटियां बेटियां नहीं होंगी, देवियां होंगी। अष्ट देवी ना, चलो। और एक भी बेटा नहीं चाहिए? अरे बेटा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बेटा अगर होगा तो बिल्कुल मेरे जैसा होगा ना। मुझे मेरे जैसा कुछ नहीं चाहिए। वैसे नहीं होना चाहिए, एक आपको संभाल लूं वही काफी है। बेटियां ही ठीक है मेरे लिए, है ना? तुम ही मानती हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। आज छोड़िए छोड़िए, अरे छोड़िए ना। क्यों? गुस्सा नहीं हो रही है? इसका मतलब असर हो रहा है। प्यार में ऐसे होता है। क्या 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 होता है? कुछ कुछ होता है। अच्छा छोड़िए, क्या कर रही हो? हो रही है, रोमांस कर रहे हैं कि कॉमेडी कर रहे हैं? तुम्हें कॉमेडी लग रहा था? हर जगह गुदगुदी हो रही है। एक सेकंड, यहाँ देखो, यहाँ गुदगुदी हो रही है क्या? प्लीज मान कीजिए, गुदगुदी हो रही है ना? तो क्या छुई मुई सी बनती है, जहाँ टच करो वहाँ गुदगुदी हो रही है। मुझे गुदगुदी नहीं होती है, देखो। हो रही है मतलब, पर अच्छा भी तो लगता है। ये सर देखो, जिंदगी में।
ऑफिस जाना, ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। कौन सा ऑफिस यार? रॉकस्टार पे क्लर्क थोड़ी तो सुबह सुबह ऑफिस जाऊँ। तो मैं भी कौन सा आपको नौकरी पे भेज रही हूँ, अपना ऑफिस संभालने के लिए भेज रही हूँ। उसके लिए मैनेजर है ना? अब तुम आ ही गई हो तो थोड़ा रोमांच कर लेते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फिर सब बोलेंगे कि मैं आपको ऑफिस नहीं जाने देती। ठीक है, आज का दिन मना लेते। आज किस डे है ना, आज किस डे मनाएंगे? तो आगे बंद करो। ओके, क्या कर रहे हो डैडी? कुछ नहीं, गलती तो हो गई। अब कचरा साफ कर रहा था, साफ कर लो कचरा। हो गया ठीक? हाँ। ओह कितनी निन्नी आ रही है मुझे। सुन जाते हैं यार, यार यार यार, उनको ऑफिस जाना है। आप ऑफिस जाए। क्या तुम्हें क्या लगा मैं नहीं पकड़ूंगा? पिछले दो महीनों में सीख गया हूँ कि तुम इधर देखती हो तो उधर फेंकती हो, उधर देखती हो तो इधर फेंकती हो, है ना? मुझे नया पैतरा सीखना पड़ेगा। अब मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। अच्छा देखो तो सही। अरे अभी सुन, अरे कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत बड़ी डील साइन करनी है, तो कल टाइम पे चलना होगा। कल मीटिंग है ना, आज तो घर पे रह सकते हो यार? तू घर रुकने के बहाने क्यों ढूंढता रहता है और ये क्या हाल बना रखा है? जब तेरी नई नई शादी हुई थी और हमें मीटिंग पर जाना होता था,
तो तू ही बहाने मारता ना, कभी पेट दर्द का, कभी सिर दर्द का। तब मैंने कुछ बोला? जा अभी मूवी बनने का टाइम। अरे एक सेकंड, क्या बोलती हो? कुछ देर, कुछ नो चांस? ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें कुछ देखा चाहूं। यहाँ मेरे कमरे में क्या हुआ? तुम्हारी बात करने आई थी। इस घर में जहाँ सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छा बिहेव कर रही हो। ऑफ कोर्स अब तुम्हारी फ्रेंड प्रज्ञा को लेकर। आई एम सीइंग यू बीइंग नाइस टू हर। ऐसा कुछ नहीं है तनु। आलिया मैं सब कुछ देख रही हूँ, तुम क्यारा कितनी क्लोज आ रही हो। तनु अगर तुम उस छोटी सी बच्ची के बारे में यहाँ पर बात करने आई हो तो बेटर होगा तुम अभी इसी वक्त चली जाओ। हाँ होगी वो प्रज्ञा की बेटी, लेकिन वो मेरे भाई की भी बेटी। उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरी रगों में भी दौड़ रहा है, और मैं अपने ब्लड रिलेशन के खिलाफ ना कुछ सुनूंगी ना उनके खिलाफ कुछ होने दूंगी। अरे मैं तुम्हारी तनु, दैट्स इट। अच्छा होगा तुम अभी इसी वक्त कमरे से बाहर चले जाओ। यार तू क्या कर रहा है यार? तुझे बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार, डील साइन करनी है, वी आर गोइंग इंटरनेशनल। तेरा भाई तो पहले से इंटरनेशनल है। तू ना बातें मत कर यार, अब जल्दी से नीचे आ, नहीं तो मैं अकेला जा रहा हूँ। गिव मी 5 आवर्स। प्रज्ञा, प्रज्ञा मेरी जैकेट कहाँ है? देखो प्रज्ञा, आज अगर तुमने मेरी जैकेट नहीं दी ना तो तुम्हारी दी हुई जैकेट कभी नहीं पहनूंगा मैं। यार प्रज्ञा मेरी काली लेदर जैकेट कहाँ है? तुम इतना टाइम तुम कर क्या रही थी मेरा जैकेट? अरे तू मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जैकेट का है, काली जैकेट पीली हो गई, लेदर का फेदर हो गया। तू मुझे बताओ कि हुआ क्या है? तुम्हारा पापा बनने वाले हो और बच्चों वाली हरकत है। क्या मतलब है मैं बच्चों वाली हरकतें करता हूँ? तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने को बोलता हूँ, सोते हुए लोड़ी गाने को बोलता हूँ, शर्ट बटन लगाने को बोलता हूँ, जूते के लेस डालने को बोलता हूँ, क्या मतलब है कि मैं बच्चों वाली हरकतें करता हूँ और ये दोबारा पापा वापस? दोबारा बनने वाला हूँ, दोबारा माँ बनने वाली हूँ, मैं दोबारा बाप बनने वाला हूँ, मतलब मेरा एक और बच्चा। हम दो, हमारे दो परफेक्ट फैमिली, यही तो चाहिए थी मुझे। आई लव यू, आई लव यू ऊपर से करें। आई लव यू यार, थैंक यू सो मच। क्या करूँ मैं तुम्हारा? आप आराम से, सब कुछ आराम से होगा। बताया तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा, लेकिन इस बार हर मिनट, हर सेकंड, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे 9 महीने की प्रेगनेंसी जो है ना, उसे मैं हम दोनों के लिए यादगार बनूंगा। तुम्हारी प्रेगनेंसी से ज्यादा मैं इंजॉय करूंगा, तुम मुझे इंजॉय करने दोगे? बनोगे ना मुझे अपना वोट पॉइंट? चलो तुम्हारा पहला चेकअप कर ले। अरे यार हो गए तेरे 2 मिनट, एक नंबर का लेट लतीफ हो गया। हंस रहा है क्या हुआ? अच्छा आप लोग मीटिंग से कब वापस आएंगे? क्या हाँ फंस क्यों रहे? कुछ बोलेगा मेरे भाई? जो एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी खुशियां शेयर कर सकता हूँ, वरना ऐसे तो मेरे स्माइल से भी प्रॉब्लम है। अरे ऐसी बात नहीं है, आप इन्हें बताएंगे तो ये भी खुश हो लेंगे। पर बात है क्या? बोलना छोटी दासी, बड़ी दासी, आओ 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 आओ। और कियारा, कम काउ
हुआ डैडी? अरे डैडी डैडी छोड़ो जल्दी आओ। अली पपी का क्या हुआ? बड़ा खुश लग रहा है, कुछ बड़ा बड़ा काम मिल गया। आ गए सब के सब? हाँ सब आ गए। अब पता क्या बात है? जल्दी बताओ ना डैडी, आपको पता है तुम कितना इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे थे। बच्चा कब तक दासी के साथ एक गेम्स खेलती रहो? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई छोटा भाई या छोटी बहन? मुझे चाहिए छोटी बहन, तो लाओ ना जल्दी से। तो मैंने तुम्हारी मम्मा को बोल दिया है, वो बहुत जल्द लेकर आने वाली है और मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था, पर मैं ना इसके मुंह से सुनना चाहती थी। पूरा बेकाम कर आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। नहीं चाहिए कोई बढ़िया आदमी, इस न्यूज़ से बड़ा मेरी लाइफ में और हो ही क्या सकता है। अरे तू नहीं भी बोलता तो भी मैं कैंसिल कर देता। मीटिंग ही नहीं, मैं कोई शो भी नहीं करने वाला। मैं हर मिनट हर सेकंड प्रज्ञा के पास रहने वाला हूँ। पहली प्रेगनेंसी में मैं उसके साथ नहीं था ना, अब इस प्रेगनेंसी में मैं उसके साथ ही नहीं बल्कि उसके पास रहूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में सुना है कि स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। तू प्रेगनेंसी के बारे में कितना जानता है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितनी प्रेगनेंसी देख चुका हो। सब कुछ जानता हूँ मैं प्रेगनेंसी के बारे में। क्या जानता है तू? कुछ तो बता, बोलो बोलो। इसमें कौन सी बड़ी बात है अभी बता। प्रेगनेंसी वो चीज होती है ना जिसमें जिसमें औरत जो वो 9 महीने बाद माँ बन जाती है। और बोलो इसने औरत का मर्द नहीं कहा। बेटा प्रेगनेंसी सिर्फ 9 महीने का समय नहीं होता, ये तो बहुत खूबसूरत एहसास होता है। औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख जिसमें वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ झेल जाती है। इसे ना किसी बीमारी की तरह मत देख, तो प्रज्ञा का हर समय ध्यान रखना होगा। उसे पलंग से उतरने नहीं देना, अकेले चलेगी ना तो गिर जाएगी। ये मत खाओ वो मत खाओ, ये खाएगी ये हो जाएगा, वो खाएगी तो वो हो जाएगा। हाँ पर ख्याल तो मैं ही रखूंगा। देख बेटा तू ऐसा सब करेगा ना तो उसे टेंशन हो जाएगा, वो सोचेगी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। उसे नॉर्मल रख, नॉर्मल रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। और तू भी ना रोज की तरह अपने काम पर चले जाया कर, यहाँ हम सब है ना उसे देखने वाले। हमारी मिताली किचन संभाल लेगी। हाँ? और दिशा उसके लिए स्पेशल हेल्दी फूड बनाएगी, और मी उसकी दवाइयों का ख्याल रखेगी। हाँ बेटी। और इंदु, इंदु इस बात का ख्याल रखेगी कि सब अपना काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। क्यों? और घर के बाकी काम के लिए बहादुर तो है ही। अरे उसकी बेटी भी तो आ गई है सरिता। सब संभाल लेगी, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। नहीं ना दासी, प्रज्ञा के सारे काम मैं करूंगा। तू नहीं करेगा, तू सारे काम नहीं कर सकता। I'm sorry, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि यही मेरा ख्याल रखे। एक्चुअली जब कियारा का वक्त था तो हम साथ ही नहीं थे ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरा ध्यान यही रखे। पर बेटा अभी तो प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर कोई गलती हो गई तो। लेकिन दादी। प्रज्ञा, दासी ठीक कह रही। देखो मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरी तरह तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, हमारे साथ रहने की कीमत नहीं चुकाना चाहता, इसलिए लिसन टू, बच्चा होने वाला है, बचपना नहीं करना है मुझे। मुझे आपका बचपना अच्छा लगता है ना। जब करते हो तब तो कंप्लेन करती हो। नहीं करूंगी ना कंप्लेन, पर आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप नहीं बदलोगे। प्रॉमिस? लो जी कर दी ना बच्चों वाली हरकत, बंद कमरे का काम यहाँ कर रहे हैं। अरे दादी कहने दीजिए ना, आप ध्यान मत दो, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ मम्मा, आप ऐसे अच्छे लोग रहते हैं, हग करो ना डैडी को। ये लोग हग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि घर में खुशियां हैं। और इस खुशी पे तो पार्टी बनती है। yes! भाई बाहर वालों को भी तो पता चले ना कि हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी आई है। yes! मजा आएगा। मुझे तो पार्टी में ना बहुत अच्छी ड्रेस पहननी है, तो जाकर ड्रेस सिलेक्ट करती हूँ। हो जाए, लेट्स डू इट।